सीधी सीधी भाषा में कहूं तो एनर्जी वैम्पायर वो होते हैं जो हर कोशिश करते हैं कि आपके भीतर की पॉजिटिव एनर्जी को समाप्त कर दें, आपको भीतर से कमजोर और असहज महसूस करवाएं, अनकंफर्टेबल फील करवाएं। वेरी सिंपल, ऐसे लोग आपके आसपास में भी हैं कि आपको मेरी बात सुनते ही आपके मन में कोई फोटो दिमाग में आई है? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक जरूर देखिए, साथ बने रहिए, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और कैसे अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन देना है ये भी हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें एनर्जी वैम्पायर कहा जाता है, ये एनर्जी वैम्पायर आपकी एनर्जी को छीन कर ये दम लेते हैं। क्या होते हैं एनर्जी वैम्पायर, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ऐसे लोगों के सिम्टम मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एनर्जी वैम्पायर क्या होते हैं, जैसे वैम्पायर क्या होते हैं, जो ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले जिनको वैम्पायर कहा जाता है, आप सभी जानते हैं वैम्पायर के बारे में। आज मैं आपको एनर्जी वैम्पायर के बारे में जो बता रहा हूं कि ऐसे क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आते ही आप खुद को असहज महसूस करने लगते हैं, बेचैन महसूस करने लगते हैं। आपके कुलीग्स में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी मौजूदगी आपको बहुत परेशान कर देती है। किसी मतलब ऐसे व्यक्ति जब पास में होते हैं तो आप निराशा से घिर जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत डाउन हो जाता है और आप बिना वजह तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी इन बातों को सुन के अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास में है, एक या दो या कई भी हो सकते हैं, तो इन्हीं को हम एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं। एनर्जी वैम्पायर क्या होते हैं, सीधी सीधी भाषा में कहूं तो एनर्जी वैम्पायर वो होते हैं जो हर कोशिश करते हैं कि आपके भीतर की पॉजिटिव एनर्जी को समाप्त कर दें, आपको भीतर से कमजोर और असहज महसूस करवाएं, अनकंफर्टेबल फील करवाएं। वेरी सिंपल, ऐसे लोग आपके आसपास में भी हैं कि आपको मेरी बात सुनते ही आपके मन में कोई फोटो दिमाग में आई है? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक जरूर देखिए, साथ बने रहिए, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और कैसे अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन देना है ये भी हम बात करने वाले हैं। तो ये बात समझ लेते हैं कुछ गड़बड़ तो है, यानी ये व्यक्ति पास में आता है तो मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी सी होने लगती है, नेगेटिव वाली गड़बड़ी, कुछ कुछ होने वाली गड़बड़ी नहीं, ऐसा मैं सोचिए कि मैं आपको, तो ये जो गड़बड़ है ये बड़ी बेचैन कर देने वाली होती है कि इस बंदे के साथ कुछ दिक्कत है। तो क्या है आपको समझ में नहीं आता है, ये बात जानने में काफी टाइम लग जाता है। यहां पर मैं आपको उन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपकी एनर्जी को सक करते हैं। तो इनमें से कौन कौन से लोग होते हैं, आपको कुछ सिम्टम बाहरी रूप से पता चलने के लिए, एक तो अंदरूनी रूप से पता लग ही जाता है आपको, बाहरी रूप से लास्ट में जाकर मैं आपको इन एनर्जी वैम्पायर से बचने के तरीके भी बताने वाला हूं, तो साथ बने रहिएगा। तो हर समय दूसरों की आलोचना करते हैं, पहली बात इसको समझिएगा, ये लोग ऐसे होते हैं जब भी बात करेंगे ना तो किसी ना किसी के बारे में जिक्र ऐसा छोड़ देंगे, शुरू में थोड़ा सा मजा लेंगे, ऐसा लगता है कि किसी के बारे में बताना जा रहे हैं, जानकारी के रूप में बताना शुरू करते हैं। पता है आज ना ऐसा हुआ, आज ना वैसा हुआ, आज ना फलानी की फलानी ना उसके साथ बात करती, अलग से खड़ी हुई थी, बात करती, जोर जोर से बता रही थी, हंस रही थी। अब बात तो वो कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों में अधिकतर जो है वो किसी की बुराई छुपी हुई है, किसी की आलोचना छुपी हुई है। आपको ऐसा लगेगा शुरू में कि इनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ी देर अगर आप उनकी बात को सुनते रहो तो हमेशा वो किसी को गिराने वाली बात, किसी को आलोचना करने वाली बात, किसी को नापसंद करने वाली बात, आपके दिल में किसी के प्रति नफरत पैदा करने वाली बात जरूर बोलेंगे। तो इन लोगों से सावधान रहिए, ऐसा लगता है शुरू शुरू में इनकी बातें इंटरेस्टिंग लग सकती हैं लेकिन एक टाइम के बाद ये कटाक्ष, ये दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाना, दूसरों पर ब्लेम लगाना या कटाक्ष करना या उनके ऊपर हंसना या उनकी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर करना, ये वही काम करते हैं। ऐसे लोग हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहिए, ये ऐसे लोगों से जरूर बचकर रहिए। ये लोग शुरू शुरू तो हमेशा अच्छी चीजों से करेंगे लेकिन बाद में इनकी भाषा बहुत गंदी हो जाती है, इसलिए जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा नंबर टू, आलोचना करने वाले लोग, यानी किसी के साथ बैठ जाए ना तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां गिनाएंगे, सिर्फ यार उस बंदे से आज मैंने बात करी, वो बंदा ना हमेशा मेरे साथ ऐसे रोब से बात करता है, आपकी मर्जी, अब ये जो कह रहा है ये हमेशा, ये आपको ये सारी की सारी कमियां गिनाएगा किसी व्यक्ति के बारे में, एक दो तीन चार पांच छह कितनी गिनाता जाएगा, ये आपके आपकी भी कमियां आपके सामने बोल ही देगा, आज ना तुम्हारे बारे में फलाना व्यक्ति ना ऐसे बोल रहा था और तुम्हारे अंदर आग लगा के रख देंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए, ये आपका कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं, ये आपकी खुशी छीन लेते हैं। जितनी जल्दी आप इनसे पीछा छुड़ा पाएं तो जरूर पीछा छुड़ा लें, जान लें ऐसे लोगों को मुंह पर बोलने पर भी जो है ना वो गलत नहीं है, ना कहना सीखिए, आपके ना कहने के कारण ऐसे लोग आपकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं और आपको जोंक की तरह आपका खून चूस लेते हैं, आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। ऐसे लोगों को ना कहना सीखिए, पहचानना सीखिए।
और नंबर 3, आपकी आत्मा पर प्रहार करने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जो आपके भीतर की हर अच्छाई, हर पॉजिटिविटी, हर खुशी को छीन कर ही दम लेते हैं। ये लोग तब तक आपको कचोड़ते रहते हैं जब तक आपके अंदर की शांति समाप्त नहीं हो जाती। ये कोई ना कोई कटाक्ष, कोई ना कोई आपके ऊपर ऐसा कमेंट मार देंगे, कोई ना कोई ऐसा आपके ऊपर ब्लेम लगा देंगे, किसी ना किसी तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ते आपको नीचा दिखाने का। और ये दूसरों को परेशान करना, उनका मजाक उड़ाना, उन्हें प्रताड़ित करना कभी बंद नहीं करते। तो इसलिए आप इन्हें सोल सकर भी कह देते हो, ये आपकी आत्मा का को की एनर्जी चूस जाते हैं। तो इसलिए इनके तो ये इनको ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया, सारे जहां का दर्द इन्हीं के जिगर में, इन्हीं के जिगर में। इनको ये समझ में नहीं आता कि कोई इनकी वजह से कोई दूसरे परेशान भी हो सकता है। इनको लगता है कि यही सबकी वजह से परेशान है, ये सबकी वजह से परेशान है। फलाने ना लोग मेरे को जीने नहीं देते, अपने बारे में लोग ऐसी बातें करेंगे। और आप इनकी बातें सुन के आपको भी इनके कहीं ना कहीं सिंपैथी हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं ना, वो किसी से भी अटैच हो जाते हैं। और आप इनसे अटैच हुए नहीं कि इन्होंने आपकी एनर्जी को सक किया नहीं, इन्हीं को सोल सकर बोलते हैं। तो जरा ध्यान से ऐसे लोगों से डील कीजिए और जितना हो सके इनको अपने से दूर कीजिए। लास्ट में बताने वाला हूं और आप कैसे लॉक करके आप इनसे बच सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4, ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग। ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग उसको बोलते हैं जो हर समय दूसरों की सिंपैथी पाने के लिए, दूसरों के आकर्षण का केंद्र बने रहने के लिए हमेशा इनको शौक होता है। ये हर वो ड्रामा करेंगे अपने बारे में बात करने के लिए, अपने बारे में बात करने के लिए ड्रामा क्रिएट करेंगे, जिससे ये जो है दुनिया की लाइमलाइट में बने रहें। कोई ना कोई ऐसी हरकत, चाहे इनके कपड़ों से, चाहे इनकी बातों से, चाहे इनकी हरकतों से, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा करेंगे जिसमें इसमें कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, आपका जीवन साथी, या अलग अलग तरह की हरकतों को, ऐसा कोई भी हो सकता है जो आपको आपके अपने इशारों पर नचाने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे जैसे बस इन्हीं के ऊपर सारा दर्द, सारा दुख इन्हीं को है, सारी परेशानियां इन्हीं को है, और आपको भी कहीं ना कहीं उसमें लपेट लेंगे, कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे। ऐसे लोग कभी आराम से नहीं बैठते, हर समय इनकी यही कोशिश होती है कि किसी तरह आसपास में ना कोई षड्यंत्र, कोई हरकत मची रहे, जैसे मंथरा टाइप के लोग, इतिहास में मंथरा आप सभी को पता है, तो कुछ ना कुछ हरकत, चीजें शांत पड़ी होना इनको इनको बेचैनी होने लगती है। आज कुछ हो क्यों नहीं रहा, आज कुछ हो क्यों नहीं रहा, इनके अंदर वो आग लगी रहती है। जरा देखिएगा क्या आपके आसपास में ऐसे लोग हैं, जरा लिखिएगा नाम, कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकाल दीजिए आप भी। तो इनके जीवन में कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई परेशानी होती है, लेकिन ये क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, और आपके जीवन में भी वो परेशानी ऐसा फील करवा देते हैं कि आप भी दुनिया के सबसे दुखी लोगों में से एक हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। इनके पास बोलने का स्किल होता है, बोलने का स्किल होता है, आपके अपनी आपसे अपनी हाँ में हाँ मनवाना इनको बहुत अच्छे से आता है। नंबर 5, आत्ममोह, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग। ऐसे लोग जो बड़ी आसानी से आप इनको अपने आसपास में देख लोगे, ये आपको बोलने नहीं देंगे, ये आपको बोलने देंगे, अपनी कोई बात रखने नहीं देंगे, सिर्फ आपकी कोई बात सुनने नहीं देंगे, ये अपनी ये बात रख के बस अपने आप से पूरी तरह मोहित है। बस जो भी हूं कुछ मैं हूं, जो भी हूं वो मैं हूं, आपकी कोई बात बात ही नहीं है, आप क्या हो, आप इनके सामने कुछ हो ही नहीं, ये आपको ऐसा महसूस कराएंगे जो हूं वो मैं हूं। अरे मैंने ऐसा किया, अरे मैंने उसको बोला, अरे मैंने इसको ऐसा बोला, मैं वहां गया, मैंने उसको ये बोला, मैंने उसके कपड़े देखे, मैंने उसको कमेंट किया, मैंने उसको ऐसा बोला, मैंने उसको वो किया, मैंने सबसे पहले अप्रोच लगाई, बिल्कुल सारी बातें अपने से शुरू होंगी। इनकी हर बात में, मतलब समझ लो एक मिनट में जो 10 बार से ज्यादा मैं बोले, ये वो होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग। ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों को पहचान ले अच्छे से, और इनको इनसे जितना दूरी बना ले उतना अच्छा है। इनके अनुसार यही सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं, और बाकी सारी दुनिया जो है वो बेवकूफ है, गधे हैं, सिर्फ यही। इनको तारीफ सुनने का इतना शौक होता है, हालांकि तारीफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन इनकी होती है कि बस केवल एक ही, बस केवल मैं और तुम, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी गलती से अगर तारीफ करेंगे बिना, तो तब करेंगे जब तुम इनकी तारीफ करोगे, तब बस, अदरवाइज इसके अलावा इनको कुछ दुनिया में दिखाई नहीं देता। नंबर 6, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो अपने दूसरों के को अपने कंट्रोल में रखने वाले, ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला किसी भी तरह की उनकी बातों में आ जाए और उनके विचारों पर ये कंट्रोल कर सके। अपनी बात को हाँ में हाँ मनवाना उनको खूब आता है, बात करेंगे है कि नहीं, है कि नहीं, अरे मैंने बोला ना, है कि नहीं, है कि नहीं ऐसा, आप भी एक दो बार तो शायद हाँ में हाँ मिलाई दो, क्योंकि इतने एग्रेसिव ढंग से बात करते हैं ना। हो सकता है आपको सारी खूबियां किसी एक बंदे में ही मिल जाएं, जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, हो सकता है एक बंदे में मिल जाएं, अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, तो जरा इनको पहचान लें। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये अगर आप किसी तरह से इनसे सहमत ना हो ना, तो ये तो या तो आपको गलत ठहराने का प्रयास करेंगे, अरे मैंने इतनी देर से कन्विंस किया उसको, मेरी बात ही नहीं मानता, वो आपके बारे में लोगों को ये बोलना शुरू कर देंगे, आपको हराने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो। जो लोग इनसे एग्री करते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ इनकी बनती है, बाकी सारी दुनिया इनकी दुश्मन हो जाती है।
तो इसको ये किसी के साथ भी दोस्ती बस उन्हीं लोगों के साथ टिक करेंगे जो इनकी इमोशनल नीड को पूरा कर सके। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अब इनके और मैं बताता हूँ ऑरा लॉक करने का प्रोसेस। ऑरा लॉक करने का मतलब जब भी, पहली बात तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें, बाय एनी चांस इनकी बात सुननी शुरू हो ही जाए इनकी बात तो अपने मन, ये लोग सामने आ ही जाए तो अपनी एनर्जी को रोकने के लिए कि मेरी एनर्जी इनसे इमोशनली कनेक्ट ना हो तो मेंटली एक ब्लॉक क्रिएट कर लें। ब्लॉक का मतलब एक ऐसा, जैसे अपने ऑरा को लॉक करने का ये तरीका होता है कि एक प्लस जैसा साइन बनाएं अपने ऊपर, ऐसे क्राउन से लेकर रूट चक्र तक, मतलब सिर से लेकर पैरों तक और लेफ्ट टू राइट शोल्डर के पास, ऐसे मतलब ऐसा बनाए जिससे ये मेरे मेंटली, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं, मेंटली बनाए कि ऐसा मैंने अंदर से बना लिया कि अब मुझे इस व्यक्ति से मिलना है तो मेरी एनर्जी जो है ना इसके भीतर सेफ है। चारों तरफ एक आवरण फील करें अपने चारों तरफ कि ऊर्जा का एक आवरण है, इसके भीतर मैं सेफ हूं, इसको आप मंत्र के द्वारा प्रोटेक्शन दे दे तो और अच्छा है। नॉर्मली हम 3 बार गायत्री मंत्र से प्रोटेक्शन देते हैं, आप कोई और मंत्र भी यूज कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे ओम भूर्भुवस्वः सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ऐसे आप लॉक लगा सकते हैं किसी भी तरह से। 3 बार ऐसा कर लें और फील करें कि आपके विचार, आपके भाव, आपके इमोशंस, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह सुरक्षित है और कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपकी ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा इंटेंशन डालें, बाहरी रूप से भी कोशिश करें कि ये दूर रहें और भीतर से भी अपनी ऊर्जा को लॉक कर लें, फिर आप ऐसे लोगों से बचे रहेंगे, नहीं तो ये आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे। ऐसा विशेष रूप से ख्याल करें, संगति से ही इंसान अच्छा और संगति से ही बुरा हो जाता है, विशेष रूप से ऐसे लोगों से बच के रहें। मैं उम्मीद करता हूं जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।